प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति एंड चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी बच्चों को सुनाते हैं इसलिए कि उनकी जो कल्पना शक्ति हो और चिंतन शक्ति का विकास होता है, इसीलिए कहानी सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। जो वह संदर्भ होता है, स्थिति के अनुसार अपनी बात को हम कह सकते हैं, वह क्या होता है, मेरे कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां बहुभाषिक कक्षा में विशेष के उचित रणनीति तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। किसके प्रतिकूल है? भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य है, तीन उद्देश्य है, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। नेक्स्ट है आपका ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ना कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ आपको वर्णमाला को नहीं करना है, याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अव्यक्तिकात्मक कौशल। भाषा के आपके दो कौशल होते हैं, एक तो अभिव्यक्तिकात्मक कौशल होता है, दूसरा आपका गढ़ात्मक होता है। अभिव्यक्तिकात्मक मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल कर लिख कर प्रस्तुत करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, उसे हम बोलते हैं अभिव्यक्तिकात्मक कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के चारों चारों कौशल आपका चार कौशल होते हैं भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। परस्पर ये क्या होता है, अंतर संबंधित है। जो आपके कौशल होते हैं, चार कौशल होते हैं, वो क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से ये क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों का उद्देश्य अमूल संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो चित्रों का उद्देश्य होता है, ये अमूल अमूल संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं, ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसी रचनाओं के स्थान देना चाहिए जो 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 बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो एवं साथ जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियों हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवणियम, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कि भाषा कोश के बिना जो होता है, शब्द होते हैं, उनके बिना हम क्या करेंगे, हमारा भाषा जो होता है वो समृद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ना कि काव्य सौंदर्य की। ठीक है, जो हमारे सीखने की होती है वो क्षमता का आकलन करता है और मूल्यांकन करता है, भूमिका भाषा की भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका करती है और ना कि ये काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, देखिए भाषा का जो पाठ्य पुस्तक हम निर्माण करते हैं तो क्या क्या उसमें होता है, अभ्यासों में वैध होना चाहिए, विषय वस्तु में वैविध्य होना चाहिए और भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए, ये आपको पूछा जाता है, तो ये राइट आंसर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था। बहुत बार पूछा गया, अगर मैं बात करूं ना, ये कम से कम ने जितने बार सीटेट का पेपर उठाइए, देखिए 2011 से लेके 2023 तक अगर पेपर की मैं बात करूं तो ये पूछा गया है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी उर्दू लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं आपको पूछा ही गया और देखा ही गया एक नंबर के लिए कि भाषा क्या होता है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है और इंपॉर्टेंस है, इसको इंपॉर्टेंट कर लिए और रिपीट होगा ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोल चाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम है उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करने। बिल्कुल सही है कि जो जब बच्चा स्कूल जाने से पहले उसके सब होते हैं, वो बोलचाल में उसको पता रहता है, हाव भाव कैसे होता है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से मित्रता करनी है, उनको सब पता रहता है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब प्राइमरी में पढ़ते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनमें बच्चों से जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर अक्षरस या बधे बधाई न देकर आप इसे स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में हो, ठीक है। बच्चे को ज्यों का त्यों नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए, और जैसे बच्चे को अपनी मौलिक अपनी विचारों को वहां पे रखना चाहिए, तो यहाँ पे यही बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग क्या होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतः एवं यह आवश्यक है कि उन्हें बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। किस तरह से उपलब्ध कराना चाहिए, समृद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके, ठीक है। क्या किया जाए, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही भाषा का व्यापक पकड़ होनी चाहिए, यही भाषा अर्जन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना चाहिए, जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं ये भी आपको पूछा ही जाता है कि पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, तो उसके पूरा आपको एक फॉर्म भरा जाता है, जिसे फॉर्म फिल करने से उसका बैकग्राउंड पता चलता है कि बच्चा कैसे है, माता पिता क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका रोज का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। आप लोगों ने जब आप टीचर होंगे ना, तो आप देखते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो पढ़ाने के टाइम ही क्या करती हूँ, बच्चे का पोर्टफोलियो एक डायरी रहती है, डायरी में लिखा जाता है, और लिखने के बाद ये जब दूसरी टीचर आती है तो उस टीचर को क्या किया जाता है, सौंपा जाता है, जिससे कि उसको पता चल जाए कि बच्चे कौन बच्चा किस में कैसा है, खेल में उसका पोर्टफोलियो कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ने में कैसा है, उसकी बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, सारे कुछ उसको पोर्टफोलियो में रखा जाता है। दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या है, तो किसके अंतर्गत रखा जाता है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो आप भी जब टीचर बनेंगे ना, तो ये आप भले आप गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा, लेकिन आप हमेशा बच्चे के साथ ईमानदारी से काम कीजिएगा, ताकि वो आगे चल के आपको क्या करे, हेल्पफुल करे, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ठीक है। एक टीचर का रोल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिका में भाषा सीखने में डैश का काम करते थे, तो देखिए साधक का काम करते, जो पत्र पत्रिका में भाषा सीखने में क्या करते, एक साधक का काम करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें, प्रश्न पूछते हैं बच्चे से, हम प्रतिक्रिया व्यक्त करना हम करवाते हैं, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। जब हम ना भाषा सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो देखिए वहां से हम बच्चे से एक क्वेश्चन दे देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड पर नहीं देते हैं, तो कभी कभी हम रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बच्चे को क्या इसे, कभी कभी हम सडनली टेस्ट भी लेते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चों से पूछते हैं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अब तुम लोग बताओ, मैं इतना दिन पढ़ाई हूँ, अब तुम लोग मुझे पढ़ा। तो बच्चे को भी बहुत मजा आता है कि टीचर तो आज हम लोग को टीचर बना दी और बच्चा बन गए। तो ये अगर इस तरह करेंगे ना, तो दोनों का इंटरकनेक्ट बना रहेगा, और ये एक प्रतिक्रिया भी देगा बच्चा। उसके बाद अब चार चार देखिए, पांच पांच का ग्रुप बना लीजिए, तीन तीन का ग्रुप बना, एक्टिविटी कराई बच्चे को, वर्ण कर लीजिए, ठीक है, ये सारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आका जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उनको संदर्भ में होना चाहिए, ना कि उनको रोट लर्निंग करवाया जाए, मेमोराइज कराया जाए, कंठस्थ करा जाए, उनको व्याकरण की समझ तो रहती है, बिल्कुल रहती है। जैसे बच्चा छोटा सा रहता है ना, जब देखिए छोटा सा बच्चा रहता है, 2 साल तक रहता है ना, तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज सुनता है, इंग्लिश, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेज बोलता है, ब्रिटिश अगर मैं बात करूँ, भोजपुरी में बच्चा बोलता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, तमिल बोलता है, कर्नाटक बोलता है, आपका साउथ इंडियन में बोलता है, तो क्यों होता है, का नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है, राजस्थानी बोलता है, क्यों, क्योंकि जब बच्चा सुनता है ना, सबसे पहले क्या करता है, लिसनिंग करता है ना, सुनता है, लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग करता है, रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, ये कौशल्स होते हैं और संदर्भ में होते हैं, कॉन्टेक्स्ट में होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा समझा रही हूँ ना, तो इसके लिए अगर टाइम आप लोग ज्यादा रहेगा तो आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी को समझाना, बारीकी को समझाना, सौंदर्य बोध को समय रूप से समझाने की क्षमता को क्या करें, प्रोत्साहित। अगर कोई बच्चे देखिए, कोई जल्दी सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई स्लो, कोई
सीखता है कोई खास, तो बहुत लोग ना एक्साइटेड, ये बहुत ज्यादा किसी के पास पेशेंट नहीं होती, धैर्य नहीं होता कि मेरे बच्चे, उसका बच्चा इतना जल्दी सीख, क्या पता है कि वो बच्चा आपसे 10 दिन 10 गुना मेहनत करता है, क्या पता है कि वो बच्चा आपसे 10 साल पहले से मेहनत करता है, तो आगे रहेगा यार। कोई अपनी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी बच्चे से, सब में कुछ ना कुछ उसके अंदर चैंपियन रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर निखार होती है, इसलिए हमें कभी बच्चों को प्रोत्साहित हमेशा करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, मोटिवेट उनको हमेशा करना चाहिए, तुम कर सकती, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका। तो देखिए, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, विभिन्न संदर्भ में जो वैरायटी होती है कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें बातचीत करने का उनको मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्यता, आंसर भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि समान। बिल्कुल सही है कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा समान हो सकती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल एजेटिस पढ़ाया जाए स्कूल में और समान ही पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, आंसर होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग, बाल साहित्य का विविध उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिक यह होना चाहिए कि उनमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कि हम पढ़ते रहे पता चला कि 4 बुक पढ़ लिए, 4 बुक में से हमें कुछ समझ में नहीं आया। भैया आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन समझो, आप थोड़ा ही बच्चे को पढ़ाओ लेकिन समझाओ वहां पे कि बच्चे को समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम खूब क्लास में भर दिए हैं, बहुत सारे ट्यूशन हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो, भर दिए, हमें पैसा कमाना है पैसा कमाना है, बच्चे का फ्यूचर नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मीनिंगफुल वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए, मीनिंगफुल आपको वहाँ पे प्रोडक्ट देना चाहिए, उसको जो भी समझाए ना आपको कुछ अर्थफुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए, भाषा के बारे में जो होता है नियमबद्ध होता है, नियमबद्ध होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। आज आप क पढ़ाए, कल आप पता चला कि च पढ़ा दिए, बीच का गैप उठा दिए, आज ए पढ़ाए कल आप जेड पढ़ाए, ऐसा नहीं। आप उसको सिस्टमैटिक सिखाइए, ए टू जेड सिखाइए, 1 2 सिखाइए, क ख ग घ सिखाइए, अ आ स्वर व्यंजन सिखाइए, तब वो बच्चा क्या करेगा, एक वर्ड बनाएगा, फिर पैराग्राफ बनाएगा, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लेटर आता है, वर्ड आता है, सेंटेंस आता है, पैराग्राफ, इस तरह से बच्चे को एक तरीके से भाषा सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं छोटा सा बच्चा है उसको पानी बोलने आएगा नहीं, बेटा बोल पानी, बेटा बोल पानी, नहीं, उसको बोला जाता है मम मम बोल, बाबू मम बोल, लल्ला मेरा मम बोलते, इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है। अगर इंग्लिश है, अंग्रेज होते बोलते कम गो सिट अप, ठीक है, जो अंग्रेज लोग जाते रहते हैं इस तरह बोलते हैं। भाषा हमें हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, तो भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, इसका आंसर है भाषा प्रयोगशाला पर क्या होता है, लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कक्षा में लिखने समय वर्तनी शुद्ध त्रुटियां करते, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का। अगर बच्चा ने गलत कर दिया तो आप इधर लिखिए, और लिखने के बीच इन दोनों बीच के उससे पूछिए कि क्या आपको समझ में आ रही है, समझ में आया तो बच्चा बोलेगा हाँ, नहीं समझ में आया दोबारा लिखिए उस बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि वे अपनी बात से बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना एक तरह की क्या है, बातचीत क्या है, हम जब लेटर लिखते हैं, कोई लिखते हैं तो बोलते हैं कि लिखना एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, कक्षा एक के बच्चे अपने घर परिवार परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते। बिल्कुल सही कि बच्चा कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं, 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 वो सब कुछ बोलता है, भले वो डरता है आपसे, आप अनजान हो, अननोन पर्सन हो, नहीं आपको समझ में आती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मेरा जैसे बच्चा वैसे दूसरे का भी बच्चा मुझसे आ रहा है। इसीलिए आपको ना देखा होगा ना, सबसे ज्यादा फीमेल को रखा जाता है प्री प्राइमरी में, प्राइमरी के टीचर को और सेकेंडरी में, कि बच्चा डरे ना। और बच्चे पहले के जो टीचर थे ना बहुत मारते थे, जो सर लोग थे ना बहुत मारते थे, तो मुझे भी याद है, तो इसीलिए मैडम लोग को चूज किया जाता है, वहां पे सिलेक्ट किया जाता है।
कि मैडम जो रहेगी ना अच्छे से पढ़ाएगी, बच्चे को मारेगी नहीं, उसको फीलिंग रहेगा कि जैसा मेरा बच्चा है वैसे दूसरे के बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी के लिए, तो ये कैसा होना चाहिए? अर्थ और उद्देश्य से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, बहुत सब लोग देखिए एक दूसरे को ना इमिटेट करके ही सीखते हैं, कॉपी करके ही सीखते हैं। आप और मैं सीख के पैदा नहीं हुए, देख के ही सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की जो होते हैं आपको पता ही है वाइगोत्स्की के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल अपृष्ठ रूप से विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैध पूर्ण रूप के सम्मिलन पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार चॉम्स्की से संबंधित है। बिल्कुल सही है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात होती है, बाय इनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल है कि भाषा अर्जित जो हम करते हैं वो किसका महत्वपूर्ण होता है, ये हमारे सोसाइटी का विशेष इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि कोई अब हमेशा आपको ना एक्टिविटी कराना चाहिए क्लास में, ताकि बच्चा क्या करे, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा का अटेंशन बना रहे पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। बिल्कुल, जब हम सिखाते हैं ना, जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो डायरेक्ट हम चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मैं वाटर पढ़ाना है तो बच्चे से पूछेंगे ना, चलो बच्चे बताओ आज पानी पानी का चैप्टर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट उस वजह से नहीं पूछेंगे। हम पूछे अच्छा बताओ पानी पीते हो तुम लोग, मम्मी क्या करती है, पानी से खाना कैसे बनता है, तो वो बच्चा बताएगा। नहाते हो, किससे नहाते हो, तो बच्चे से हम टॉपिक निकलवा देते, तो उस टॉपिक का नाम रहता है वाटर, तो बच्चे को पता चल जाता है कि वाटर का कैसे यूज करते हैं। ये हम डायरेक्ट वहां पे टॉपिक नहीं लिखा जाता है, मेंशन नहीं किया जाता है ब्लैक बोर्ड पर। और कभी अगर आप टीचर रहेंगे, जब आपको इंटर्नशिप रहेगा या आप पढ़ाने जाएंगे बाय चांस कभी प्राइवेट में भी, तो आपको ये चीजें करनी रहती है। ठीक है, उनसे आपको तुरंत नहीं लिखना रहता है, आप बच्चे से टॉपिक लिखवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल साहित्य की सार्थक प्रयोग की पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर यह एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित यह है कि कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कि हमें केवल बुकिस होना चाहिए, आपको बस बुक से ही पढ़ाना है, बाहर का नॉलेज नहीं देना है, रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, इससे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है, इसीलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान होता है। ठीक है, जब हम बच्चे को खेलाते हैं तो वहां पे बच्चे सोशल लर्निंग सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक जो होता है, समाज का विस्तार होता है, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए, कैसे दोस्त बनाना चाहिए, इसीलिए खेल कराया जाता है, वहां पे प्ले कराया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्या आंशिक रूप से होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई कौशल के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, न कि क्रम में। ठीक है, बिल्कुल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं सीख जाए। कोई बच्चा बोलता है तो कोई बच्चा बाद में सुनता है, कोई बच्चा लिखता है, कोई बच्चा बाद में पढ़ता है, तो क्रम में नहीं सीखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास के संबंध में सही है, भाषा विकास व्यक्तित्व तो निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैदिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णों की पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी, जिसमें बच्चे प्रेरित होकर विभिन्न भाषाई कौशलों में पारंगत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा के आगमन विधि की विशेषता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? यह विचार वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भाषाई विकास समग्रता से ही सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों, अन्य समस्त प्रकार विकल्पों के लिए के लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की क्षमता में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यावहारिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से अधिक अवसर होना। जब विद्यार्थी को भाषा सुनने बोलने को अधिक अवसर प्राप्त होगा तो वह भाषा को अच्छी तरह सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ लिखकर बताना अधिक श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा के संदर्भ में बालक साहित्य का उद्देश्य है कि बच्चों को साहित्य पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक नियतार्थ है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरण तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में चैप्टर कंप्लीट कर लिए उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, चलो अब हम तुमको क्या करेंगे ग्रामर सिखाएंगे, व्याकरण नहीं। जब हम पढ़ाते हैं ना तभी उनको हम ग्रामर भी सिखा देते हैं, पढ़ाते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? वीडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को श्रवण वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को बुक मिला ही नहीं तो अपना पढ़ाएंगे नहीं, उसको सुनाएंगे नहीं। उनको आप पढ़ाइए, उनको क्या कराइए, कोई स्टोरी सुनाइए बुक से रिलेटेड, आप जो भी आपको नॉलेज है वहां पे बच्चे को बताइए उससे, ताकि उसको सीखता रहना चाहिए और उसी से रिलेटेड उसको पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है ना, खूब अच्छे से उसकी राइटिंग पकड़ी जाती है, पेंसिल पकड़ी जाती है, पकड़ के सिखाया जाता है और साफ सुथरा लिखा जाता है, क्लीन एंड नीट लिखा जाता है, ताकि बच्चे को हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करे जाए, पढ़ा और जो लिखता है बच्चा समझ पाए और जो दूसरे भी उसकी कॉपी को देखे तो हम पता चले कि बच्चा लिखा अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने से संबंधित कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वोत्तम ढंग है। सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में क्या करेंगे? लिखेंगे। ये नहीं कि जैसे मैंने बोला टीचर ने बोला वैसे स्टूडेंट, ऐसा नहीं। टीचर जो बोलती है बच्चे को भी उनकी विचार लिखना चाहिए, उनकी क्या है व्यू है, क्या आइडिया है, थॉट है, उनको लिखने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, वहां पे अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा विविधताओं की प्रतिनिधित्व की रचना उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और
अर्जित भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज एवं स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेजिया, देखिए अफेजिया से आपका पूछा जाता है, डिस्लेक्सिया है, अफेजिया है, ग्राफिया है, ठीक है, डिस्ग्राफिया है। इस विकास से ग्रसित बच्चे को उच्चारण करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। मैंने बच्चा क्या करता है, जैसे चौ को तो बोलेगा, ठीक है, को खा बोलेगा, तो क्या करेगा, बोल नहीं पाता है, ठीक है, बी को अ बोलेगा, तो उच्चारण नहीं कर पाता, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य पाठन कार्य के द्वारा ज्ञान अर्जन तथा आनंद अनुभूति से सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य में विचार तत्वों का समावेश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतलेख भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोस्की में भाषा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या करता है, सहायता। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को थोड़ा कार्टून दिखाओ, थोड़ा खेलाओ, उनसे अच्छे से बात करो, मोटिवेशनल चीज दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने में मतलब है कि सीखने से मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो ये आपके 102 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और ये वीडियो आपको बहुत बहुत यूजफुल लगेगी, चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी सीख लें और दूसरे बच्चे भी एग्जाम को क्वालिफाई करें।